तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं खेलने वाला हूँ स्काई ब्लॉक, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब स्काई ब्लॉक वन ब्लॉक। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक ब्लॉक के ही ऊपर हूँ, और बस मुझे इसमें इस ब्लॉक को खनते हुए जाना है और सारे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आएंगे। ऐसे ही करके हमें बहुत ज़्यादा सामान मिल जाएगा और हम इसे और बड़ा भी कर सकते हैं, और इसमें हम अपना हाउस बना सकते हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ होंगे। तो वीडियो को पूरी एंजॉय करना और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे अब कह रहा है इसे यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना है, तो गेम हमारा हो जाएगा स्टार्ट। तो बटन को प्रेस करते हैं, 1 2 3 गो। यहाँ पे दिखा रहा है वन ब्लॉक, और ये भी यहाँ पे पूरा व्यू दिखा रहा है इसका, 3D में दिखा रहा है इसे वन ब्लॉक से नीचे। और एक ही स्काई ब्लॉक होने वाला है, तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं ऊपर हूँ, यहाँ पे सन है और इधर मून, और यहाँ पे एक ही डर्ट है, और इस डर्ट को जब मैं इसे तोड़ दूंगा तो एक और डर्ट मिल जाएगी, और ऐसे मुझे बचते जाना है भाई, बहुत रिस्क है इसमें। ये प्लेटफॉर्म एक्सपांड करने को कर रहे हैं, मैं पहले प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देता हूँ, अब मैं माइन करते हुए नहीं गिरूँगा। हाँ तो गाइज, मैं पूछ गया, ये प्लेटफॉर्म इसको बढ़ाने के कह रहा था, और मैं यही नहीं पूछ पा रहा था कि ये कह रहा है प्लेटफॉर्म बढ़ाओ, मतलब हो क्या रहा है। मैं भी बार बार यहाँ पे लगभग 20-30 ट्राई कर चुका हूँ और बार बार गिर ही रहा था। अब यहाँ पे जाके मुझे पता चल गया, और यहाँ पे एक कूड़ दूर ही रह के इसे माइन करूँगा, मैं उड़ा रहे हैं पर क्राउच होके एकदम सेफ्टी से मैं इसे माइन करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बार गिर के मर चुका हूँ, पर अब मुझे नूब नहीं बनना है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करना है। उसके लिए पहले कुछ टूल्स और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले दूर रहते हैं और यहाँ पे और इसे माइन करते जाते हैं। 6 पहले 6 उड़ा गया मेरे पास, इसका बना लेते हैं प्लैंक, एक थोड़े सी स्टिक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल। अब इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बढ़ा देते हैं डर्ट लेके, गलत जगह प्लेस हो गया, इसे 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 ऐसे प्लेस करना है, और इस पर हम एक अपना क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे, और बिल्कुल ही स्मूथली हम इसमें एक एक्स और एक पिकैक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल को ऐसे रहने देता हूँ, क्या कह रहे हैं। ये कुछ कह रहा है, उसके पहले इसे माइन कर लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी, अब मैं माइन करने वाला हूँ इस उड़ को। इन सब टर्ट के लिए तो सिंगल हैंड से, और उड़ को बस इसी से। बहुत बहुत टाइप की उड़ आ रही हैं, और इसे तो भाई सब से माइन करना पड़ता है, पर इस ठीक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एमरल्ड डोर यहाँ पे है, और मैं इसे शायद इससे माइन भी नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं इसे माइन कर सकते हैं कि नहीं, पर ट्राई कर लेते हैं। मुझे पता ही था ऐसे ही होगा हमारे साथ। और यहाँ पे जो एमरल्ड और कुछ पोटैटोस और कुछ कोबल स्टोन मिल चुके हैं, अब पहले कोबल स्टोन काम बना लेते हैं एक
कोल्डस्टोन का पिकैक्स और एक्स, जो कि भी हमारे सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अब पहले इस बैरल को तोड़ते हैं, वो तो नीचे ही चला गया। तो अभी डस्ट क्या है उसे भी प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं। बचा हुआ है पर पहले डर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे डर्ट थोड़े मिले हैं, यहाँ पे कुछ आ गया। इस प्लेटफॉर्म को और वाइड ऐसे नहीं है, ऐसे वाइड बना दूंगा। और सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं फिर से आ रहा हूँ। और फिर इसे यहाँ से माइन करना शुरू करूँगा। स्टोन का प्लेटफॉर्म आ गया है। बार बार ये जो डर्ट देते हैं ना, स्पीड ब्रेकर है ये, क्या गया गाइस, मतलब कुछ भी। तब क्या दे रहे हो, जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तभी ये मिलती है। ऐसा ख़राब चीज़ कौन देता है यार। जब तक मैं इसे माइन कर रहा हूँ तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी पिछली वीडियोस में व्यूज तो अच्छे ही आ रहे हैं, पर उसे और ज़्यादा दिखिए जिसके लिए मुझे और ज़्यादा लाइक मिले। और मैं ऐसी वीडियो डेली अपलोड करता रहूं। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 11 लाइक्स, क्योंकि अभी तक 10 लाइक तो डेली हो रहे हैं, पर इस वीडियो का लाइक हम 11 लाइक। तो आई होप आप लोग इसे पूरा कर दोगे। और अभी ज़्यादा का गोल नहीं रख सके क्योंकि सब्सक्राइबर तो मेरे हैं लेकिन उतना व्यूज नहीं है। यहाँ पे देखा, इसने फ्रैंक कर दिया और इसे काम कर दिया। तो हमें बता रहा था कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन नोटिफिकेशन नहीं ऑन रखते हो, इसके लिए मेरा वीडियो आपको नहीं जाता है। आप उसे डेली चाहिए तो मुझे पहले सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा अगर आपने हो, और पहले से किए हो तो रेगुलर होना पड़ेगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही ऑन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही है जो व्यूज बढ़ाता है लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जब जाएगा तभी ये बंदे देखेंगे। तो मैंने स्क्रॉल करते हुए पकड़ा गया। तो गाइस बात तो बहुत हो गई, पर अब पहले इसे माइन करते हैं। और वैसे मैं बता रहा था नोटिफिकेशन के बारे में, उसे आपको ऑन रख लेना है। और अभी ये बेबी काऊ आ गया है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। और इसे बड़ा नहीं, इसको हम रखेंगे। रखने के लिए पहले हट जा भाई, प्लेटफॉर्म और बड़ा कर देते हैं पहले। देख रहे हो भाई, ये एक फुट पे, बस एक यहाँ पे लेग, देखो इसका बस एक लेग पे खड़ा है। अब इधर जा भाई, जल्दी जा जल्दी जा, एक पैर पे खड़ा है अपने। इतने रिक्स वाले जगह पे ऐसा कोई नहीं करता, पर ये सिंपल सा बचा रखा हूँ। एमरल्ड तो भाई गजब मिल रहे हैं, और यहाँ पे कॉलस्टोन भी 14 हो गया। और ये आइस क्यों दिया है मैंने, आइस को मैं क्या करूँ, आइस को मेल्ट करके हम वाटर सोर्स भी बना सकते हैं, लेकिन तो मेल्ट तभी होगा। और बिग काऊ भी आ गया गाइस, इतनी मेहनत के बाद हमारे पास बड़ा काऊ छोटा काऊ दोनों हैं। और पहले स्टार्ट जाओ भाई, प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, इसे मारना पड़ेगा क्या गाइस। अब यहाँ पे बार बार नहीं आएगा, एक बार सबक सीखना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और एक ब्लॉक बढ़ा देता हूँ जिससे ये मुझसे दूर ही रहे। मान के मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ गिर। ओ भाई बहुत रिक्स है इस गेम में, तो मैं बाद में खेलूँगा बाकी अभी। और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। मैं इसके वीडियो और सारे वीडियोस बनाऊंगा इसके, और आप हर वीडियो को फॉलो कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद जितना वीडियो है इसके बाद वाला तुरंत ही मैं अपलोड करूँगा। पहले इतना सीरीज को लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।